रंगपुर महोत्सव में प्रशासन की तरफ जो सुविधा रखी है उसके बारे में कुछ बताओगे आप? देखिए साहब, ऐसा है कि पिछले 100 वर्षों से प्राचीन जो ढाब है उस पर गणेश और उस पर गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के अंदर शहर के सभी वार्डों से, दूर दूर वार्डों से माताएं बहनें नाचते गाते हुए गणगौर को यहाँ लेके आती है प्राचीन ढाब पर, और यहाँ इनका विसर्जन किया जाता है। अव्यवस्था को लेकर शहर के जागरूक लोगों द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था नगर पालिकाओं की भी, गणगौर महोत्सव आने वाला है तो उचित यहाँ व्यवस्था होने चाहिए। आज मैंने खुद जाके देखा तो व्यवस्था के नाम पर जीरो व्यवस्था थी जी। देखो जी, वहाँ बकायदा पंडाल लगना चाहिए, साउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वगैरह भी होनी चाहिए, अनैतिक घटना ना हो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। मैं तो इसका मतलब पुरजोर विरोध करता हूँ। अभी मेरे को मालूम पड़ा थोड़ी देर पहले ही किसी ने पता नहीं पत्थर मारा तो एक बहन के यहाँ होठ पे लग गई, तो उसके दो टांके आए हैं, उसको हॉस्पिटल ले गए, फिर पता चला कि उसके दो टांके आए हैं। तो गाय है, ये नंदी है जो खुले घूम रहे हैं, और यहाँ ढाब के आसपास जो इतने मंदिर है, यहाँ पे तो इतने निराश्रित गोवंश है जिसकी कोई आप पूछो ही मत, हद ही नहीं है। तो कभी भी कोई अप्रिय घटना कभी भी घट सकती थी, पर हर बार राम भरोसे चलता है और राम पार भी कर देते, तो मेरा तो बहुत कहने का मतलब फुल विरोध है जी इस बात के लिए। जबकि सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में बीजेपी, और जबकि यहाँ सूरतगढ़ का चेयरमैन भी बीजेपी का और आप बीजेपी के पार्षद भी हो, तो आपको बीजेपी के पार्षद होने के बावजूद भी ये सुविधा नहीं मिल पा रही, तो आम जनता का क्या होगा? साहब क्या बताएं कि मैं तो इस बात पर यही बात कहूँगा, अंधेर नगरी चौपट राजा है, ये हालत हो रही है सूरतगढ़ की। आपको याद होगा पिछली बार भी आपको ही मैंने बाइट दी थी इस संबंध के अंदर अव्यवस्था को लेकर, आपको याद होगा मैंने पिछली बार भी आवाज़ उठाई थी। उससे पिछली बार तो मैंने खुद के पैसों से ये खड्डा खुदा खुदवाया था यहाँ, तो व्यवस्था बिल्कुल है। इस बार मैं तो आप थक हार के बैठ गया, मैंने तो कोई ज्ञापन वगैरह कुछ नहीं दिया, देखा कि अव्यवस्था है तो यहाँ तो अंधेर नगरी है बिल्कुल। मैं तो यही कहता हूँ।